लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। रविवार को उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के सिटी मॉल में उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी की याद में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर में सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि G20 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली सुश्री दिव्या नेगी ने शिरकत की। कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए समिति द्वारा लोगों को सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तिलु रतौली पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती लक्ष्मी भट्ट को राज्य आंदोलनकारी परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने उत्तराखंड रत्न से, तो वहीं पिथौरागढ़ जिले के अमन खड़ियात को उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पुरस्कृत लक्ष्मी भट्ट व अमन खड़ियात का समिति द्वारा माल्यार्पण कर उनके कार्यों की सराहना की गई। लक्ष्मी भट्ट पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, वहीं अभी वह पिथौरागढ़ जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही हैं। अवार्ड मिलने के बाद लक्ष्मी भट्ट ने K24 न्यूज को बताया कि उन्हें अवार्ड मिलने की बहुत खुशी है और इसी के साथ उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित करने के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद के अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कमलेंद्र सेमवाल जी, G20 में पूरे देश का भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्या नेगी जी, पिरामिल फाउंडेशन और बहुत सारे संगठन जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। 2019 में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए लक्ष्मी भट्ट को सर्वोच्च वीरांगना सम्मान तिलु रतौली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मी भट्ट अपने सराहनीय कार्य नशा मुक्ति के लिए जानी जाती है। लक्ष्मी भट्ट ने पिथौरागढ़ जनपद में बच्चों को नशे से मुक्त करने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए। कोरोना काल के दौरान भी अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जिलाधिकारी ने श्रीमती भट्ट को कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया था। बात करें उत्तराखंड गौरव से सम्मानित अमन खड़ियात की, तो अमन खड़ियात दिल्ली में रहकर जनपद पिथौरागढ़ व समूचे उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। अब तक अमन खड़ियात सैकड़ों लोगों का निःशुल्क इलाज कर चुके हैं। अमन खड़ियात अपनी अमन फाउंडेशन नामक एक संस्था को चलाते हैं, जिसके माध्यम से वे उन लोगों की मदद करते हैं जो असहाय व लाचार होते हैं। अमन खड़ियात के उत्कृष्ट कार्यों की खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सराहना की। इससे पहले भी अमन खड़ियात पिथौरागढ़ गौरव सम्मान से नवाजे जा चुके हैं और अब उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित होने पर अमन खड़ियात काफी खुश हैं। अमन खड़ियात का कहना है कि ये अवार्ड उनके लिए टॉनिक का कार्य करेगा और इस अवार्ड के मिलने से उनके कार्य करने की क्षमता और बढ़ेगी। उत्तराखंड की समस्त जनता को मेरा सादर अभिनंदन है। मुझे उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किए जाने पर मैं आप सभी का सादर धन्यवाद करता हूं और न्यूज के 24 के संस्थापक पुष्कर राज पारखी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। आप हर समय साथ देते हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहते हैं, ऐसे हमारे साथ बनाए रहिए। समस्त जनता को मेरा सादर नमस्कार। कार्यक्रम में कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुंवर सिंह, शिक्षा मंडी समिति के अध्यक्ष व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कविंद्र सेमवाल, G20 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी दिव्या नेगी, मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारी का केस लड़ रहे रमन शाह, अनिल जोशी सहित प्रदेश भर में आए विभिन्न संगठनों के दर्जनों लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।